हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अपस्टॉक न्यू एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। अगर आप एक बिगिनर्स हैं, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना नहीं आता है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शन बाय और कैसे सेल किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास अपस्टॉक ऐप के अंदर डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे, इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके कुछ इस तरह से आप भी लॉगिन हो पाएंगे अपस्टॉक ऐप के होम पेज में। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर शेयर में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है तो आज के इस वीडियो में आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। तो अगर आप किसी शेयर के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर एक शेयर में आपको ऑप्शन चयन का ऑप्शन नहीं मिलता है, किसी किसी अपवाद रहता है। तो वहां पर आपको देख लेना है कि किस में ऑप्शन है और किस में नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, आप मान लो कि किसी भी शेयर पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन चयन का अगर ऑप्शन मिलता है, बटन मिलता है, तो आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी ऑप्शन में, किसी शेयर में नहीं मिल रहा है तो आप उसमें ऑप्शन चयन का ऑप्शन नहीं मिलता है, उसमें आप वहां पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर मैं निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर ऊपर की तरफ आपको सर्च बार मिल रहा है, सर्च बार पर क्लिक करना है और यहां पर नाम सर्च कर लेना है जिसमें भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में करना चाहते हैं तो यहां पर आप सर्च कर लेंगे बैंक निफ्टी। अब यहां पर देख सकते हैं निफ्टी 50 मैंने सर्च कर लिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर निफ्टी 50 का इंडेक्स आ गया है। अब मैं सिंपली इस पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। अभी आपको यहां पर निफ्टी 50 का इंडेक्स देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि लो प्राइस कितना गया है, हाई कितना गया है आज के दिन में, और 52 वीक में लो कितना गया है और 52 वीक में हाई कितना गया है। ये तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है वैसे भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली 2-4 दिनों का गेम रहता है, तो इसलिए हम लोग यहां पर ऑप्शन चयन ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। और यहां पर आप देख सकते हैं इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं सारी चीजें। तो ये जो प्राइस दिख रहा है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ये निफ्टी 50 का करंट प्राइस चल रहा है, और इसी प्राइस को हम लोग स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। जो कि यहां पर प्राइस दिखाई दे रहा है वही आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये नीचे में क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है एक्सपायरी डेट। अब आप किस एक्सपायरी डेट को ऑप्शन ट्रेडिंग खरीदना चाहते हैं, ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, वो आपको यहां पर से सिलेक्ट करना है। तो यहां पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहां पर से आप जिसमें भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस तारीख के लिए एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करके उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 2 जून ही रहने देता हूं, 2 जून में ही मैं यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। 2 जून का एक्सपायरी डेट हमने सिलेक्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। अब यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का ऑप्शन मिल रहा है। तो कॉल ऑप्शन आपको खरीदने का मतलब यह है कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है, यानी कि 16,599 है, यानी कि 16,600 है, तो इससे आगे बढ़ेगा, यानी कि 700-800 जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तब आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। और कॉल ऑप्शन सेल कब करते हैं, सेलर तो वैसे आपको बनना नहीं है अभी फिलहाल, सेलर आपको अगर आप बेसिक सीख लेंगे उसके बाद आप एडवांस में जाएंगे तब आप सेलिंग करना स्टार्ट करिएगा। अभी फिलहाल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा सेल करने के लिए, तो अभी फिलहाल आप बाय के लिए सीखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। कॉल ऑप्शन सेल कब किया जाता है, जब आपको लगे कि मार्केट अभी गिरने वाला है, जहां पर चल रहा है अभी ना करेंट प्राइस जो है, वहां से अगर मार्केट गिरने वाला है तब आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है। इसका जस्ट अपोजिट होता है पुट ऑप्शन के अंदर। पुट में क्या होगा, अगर मार्केट गिरने वाला है तब आप उसको बाय करेंगे, ठीक है, नॉट सेल, बाय करेंगे। और सेल कब करेंगे पुट ऑप्शन में, जब आपको लगे, ठीक है, पुट ऑप्शन में हम लोग आ जाते हैं। पुट ऑप्शन आपको सेल कब करना है, जब आपको लगे कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, यानी कि मार्केट बढ़ने वाला है, 600 से 700 800 जाएगा, तब आपको मार्केट में पुट ऑप्शन में बाय सॉरी सेलिंग करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कॉल ऑप्शन में बाय कब करना है, जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन सेल करना है। इसका उल्टा पुट ऑप्शन में मार्केट नीचे जाएगा तब आपको बाय करना है, मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको सेल करना है। ये आपको प्रेडिक्ट करना होगा, ठीक है। आप इसको प्रेडिक्ट कई तरह से कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, चार्ट रीडिंग आता है,
तो इन सब के बेसिस पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% आप ये प्रिडिक्ट कभी भी नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ से मूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस से कॉल ऑप्शन में ही आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए IV का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये आपको वॉलिटिलिटी का अंदाजा देता है कि कितना इसमें वॉलिटिलिटी है। ठीक है, और आपको उसी में ट्रेड करना चाहिए जिसमें अधिक वॉलेटाइल हो। ठीक है, इसके बाद ओपन इंटरेस्ट क्या है, तो ये ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि आज के दिन में कितने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी कि क्लोज नहीं हुए हैं। क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बायर भी होता है और एक सेलर भी होता है। ठीक है, तो कोई सेलर आपको सेल कर रहा है तभी आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने वाले हो। ठीक है, तो यहां पर इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कितने अभी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अभी ओपन हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो लाख में है। ठीक है, यहां पर केवल 19 कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ओपन है। और आज के दिन में अगर परसेंटेज की बात करें तो पिछले ट्रेडिंग डे से कितना आज के दिन में प्लस रहा, तो 20% का इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये जो LTP है इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि अभी करेंटली किस प्राइस पर ये ट्रेड हो रहा है। तो LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और यहां पर जो प्राइस दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम प्राइस बोलते हैं। अब इसके नीचे जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये परसेंटेज आज के दिन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि पिछले ट्रेडिंग डे में जो भी प्राइस चल रहा था उससे कितना परसेंट यहां पर बढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको पता ही है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी प्रीमियम डबल ट्रिबल या फिर 5 गुना 10 गुना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल लाइव, कि यहां पर 127% का इंक्रीमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिला है आज के दिन में। अब ये इतना इंक्रीमेंट क्यों मिला है, क्योंकि आज के दिन में मार्केट 1.5% लगभग बढ़ा हुआ है। तो मार्केट बढ़ा है, इसका मतलब कॉल ऑप्शन में क्या होगा, इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। तो अगर आपने इसको कल खरीदा होता तो आपको कुछ कम प्राइस में मिल जाता, यानी कि 120 रुपये 130 रुपये में मिल जाता, और आज के दिन में इसका प्राइस कितना बढ़ गया है, 187 रुपये। तो कई लोग ये बोलते हैं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शंस को होल्ड करना एक मूर्खता है। जी हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और आने वाले दिन में मार्केट का मूवमेंट अच्छा खासा अप होकर के ओपन होने वाला है, ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में आपको होल्ड भी करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए होल्ड ना करें, क्योंकि होल्ड करने से क्या होता है, टाइम डीके आपके प्रीमियम के वैल्यू को खत्म करता जाता है। अब टाइम डीके क्या होता है दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए। टाइम डीके दोस्तों, ये जो प्राइस चल रहा है 189 रुपये, ठीक है, अभी मार्केट का करंट प्राइस 600 चल रहा है, ठीक है ना, 16,600। तो अगर आज के दिन में मार्केट अगर ज्यादा नहीं बढ़ता है या ना तो ज्यादा घटता है, अगर मार्केट यहीं के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है, तो ऐसे केस में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और जैसे जैसे एक्सपायरी का डेट पास आते रह जाएगा, वैसे वैसे इसका जो प्राइस है वो कम होता जाएगा, LTP कम होगा। और कम होगा तो नुकसान ये होगा कि ऑप्शन अगर आपने यहां पर बाय कर लिया 188 में, तो अगर मार्केट इसका इसका जो LTP का प्राइस है वो अगर कम हो जाता है, 180 हो जाता है, तो आपको 7 रुपये का पर क्वांटिटी पर नुकसान होगा। और यहां पर आपको पता ही होगा कि एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है इस Nifty 50 के अंदर, बैंक निफ्टी में एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है। ऐसी तरह अगर आप किसी शेयर में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर हर एक शेयर का अलग अलग लॉट साइज होता है। अब आपको यहां पर एक एक कॉन्ट्रैक्ट एक एक साइज में नहीं खरीदना होता है कि एक क्वांटिटी आपने खरीद लिया, दो क्वांटिटी खरीद लिया, आपको सीधे सीधे 50 क्वांटिटी मिनिमम खरीदना ही होगा Nifty 50 के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। अब ये जो यहां पर आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ये सारा का सारा स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो एक अलग सिल्वर कलर के पट्टी में आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक प्राइस। इसी को हम लोग एक और नाम बोल सकते हैं कि ये हमारा टारगेट प्राइस है। ठीक है, अब आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि ये जो स्पॉट प्राइस है वो बढ़ करके किस लेवल तक को टच करने वाला है। अगर मार्केट बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला इन द सेंस यहां पर आप देख सकते हैं बढ़ किधर रहा है, इस तरफ रहा है। कंफ्यूजन ये होता है कि बढ़ने का मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ, लेकिन
यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जो चैन को अरेंज किया गया है वो कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है, 50-50 के गैप में, 50-50 अंक के गैप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 650 के बाद 700, फिर 750, फिर 800, यानी कि मार्केट बढ़ किधर रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, इन द सेंस आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अब कॉल ऑप्शन में आप बोलेंगे कि ये भी कॉल ऑप्शन है और ये भी कॉल ऑप्शन है, तो जी हाँ दोस्तों, दोनों कॉल ऑप्शन ही है, लेकिन ये वाला जो प्राइस दिख रहा है आपको इन द मनी कहलाता है। इन द मनी क्यों? क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट का करेंट, उससे क्या है, कम प्राइस है, ठीक है, यानी कि इन द मनी है। देखिए 16,600 है और यहाँ पर 16,550, फिर 500, यानी कि इस प्राइस के अंदर में आता है, उसको क्या बोलेंगे, इन द मनी। और आउट ऑफ द मनी किसको बोलेंगे, जो हमारा टारगेट होता है। अब कॉल ऑप्शन में हमारा टारगेट क्या होता है गाइस, कि जो हमारा टारगेट इधर रहेगा, ठीक है, मार्केट का अगर मूवमेंट इस तरफ बढ़ेगा तो इसका मतलब हमको प्रॉफिट होगा, और जो हमारा टारगेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। अब मैं आपको बता दूं कि इन द मनी भी दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल इन द मनी, यहाँ अगर आसपास में खरीदते हैं स्पॉट प्राइस के तो इसको हम लोग इन द मनी बोलते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि इस रेंज तक को आप इन द मनी बोलेंगे, लेकिन किसी रेंज को आप मान सकते हैं कि यहाँ आसपास का जो प्राइस है, ठीक है, स्पॉट प्राइस के आसपास का, उसको हम लोग इन द मनी बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर इन द मनी चल जाएंगे तो इसको बोलते हैं डीप इन द मनी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर के आसपास को प्राइस को बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो आपको डीप आउट ऑफ द मनी बोला जाता है। तो रिकमेंड यही रहेगा कि जो भी बिगिनर्स हैं वो लोग ना तो बहुत ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी खरीदें, ठीक है, इन द मनी तो ऐसे भी नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा महंगा महंगा प्राइस में मिलता है, तो हो सकता है कि बिगिनर्स के पास इतना ज़्यादा आपको पैसा ना हो, और चांसेस ज़्यादा रहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, 100% का रिस्क रहता है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना पूरा का पूरा डूब सकता है। जबकि यहाँ पर रिटर्न का भी कोई फिक्स नहीं रहता है, आपको 10 गुना 50 गुना तक रिटर्न मिल सकता है, तो ये यहाँ पर बेनिफिट रहता है कि आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जबकि लॉसेस जो है वो आपका 100% रहेगा जितना आपने प्रीमियम पे किया है। अब प्रीमियम इसको बोलते हैं, अब प्रीमियम कितना होता है, देखिए आपको यहाँ पर मनी रिक्वायरमेंट कितना होगा ये भी बता देता हूँ। जैसे कई लोगों का सवाल होता है बिगिनर्स में कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस का खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ वाला खरीदेंगे तो 66 रुपये पर क्वांटिटी देना पड़ेगा, और एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है, यानी कि 50 को अगर आप 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा उतना आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो अमाउंट आपका पूरा 100% रिस्क पर रहेगा, ठीक है, यानी कि पूरा पैसा डूब भी सकता है और रिटर्न का तो कोई वो नहीं है। अगर आपका प्रिडिक्शन अच्छा रहा तो रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, डबल ट्रिपल या 10 गुना भी आपको रिटर्न मिल सकता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं आपको रिकमेंड तो यही करता हूँ कि आप यहाँ आसपास का खरीदें, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि कैसे ऑप्शन बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। तो डेमो पर्पज से मैं आपको एक सस्ता वाला जो कि मेरे अफोर्डेबल है, ठीक है, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद करके आपको दिखा रहा हूँ। ये किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी इसी कॉन्ट्रैक्ट को जा करके खरीद लें, ठीक है। जो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में खरीदते या बेचते हैं वो आप अपने रिस्क पर करिए और अपने एनालिसिस के ऊपर करिए। तो यहाँ पर मैं एक एनालिसिस किया हुआ हूँ कि 17,050 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे लिए सही है, और मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूँ। ये जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 16,607 रुपये, वो 2 जून तक क्या हो जाएगा, 17,050 तक को टच कर लेगा, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है, तो मैं इस पर क्लिक किया, अभी हमारे सामने कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल ओपन हो गया है। अभी आपको यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर इससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि निफ्टी 50 का 17,050 का CE यानी कि कॉल ऑप्शन हमने ओपन किया हुआ है। अगर आप इसका ग्रीक भी चेक करना चाहते हैं तो ग्रीक्स के बारे में आपको पहले नॉलेज लेना होगा, ठीक है, इसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे। तो ग्रीक्स देख लीजिए, वैसे यहाँ पर मैं फिलहाल ऑप्शन बाय करके दिखाऊंगा। स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, आप चार्ट देख सकते हैं इसका, ठीक है, किस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉट प्राइस कितना है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं। टू डेज आज लो कितना गया है, हाई कितना, तो कितने रुपए तक गया, और अभी कितना प्राइस पर चल रहा है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्या, GTT ऑर्डर। अगर आप रेगुलर ऑर्डर में सेलेक्ट करके खरीदते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो, क्या नुकसान होगा, कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप GTT ऑर्डर पर क्लिक करके खरीदते हैं तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाने का ऑप्शन मिल जाता है,
ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप GTT ऑर्डर में ही करके खरीदें और इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी मिल रहा है तो आप इसका फायदा उठाइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं GTT ऑर्डर एक्टिव टिल 2 जून 2022, यानी कि GTT में फायदा भी ये भी है कि आपका आपने यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है उसको अगर आपने बाय में ऑर्डर में लगा करके रख दिया हुआ है, अगर ये बाय नहीं होता है आज के दिन में तो वो क्या होगा, 2 जून तक इस कॉन्ट्रैक्ट का वेट करेगा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में लिस्टेड रहेगा। और जब भी ये प्राइस आप जो भी प्राइस यहाँ पर सेट करके बाय पर क्लिक करे रहेंगे उस प्राइस पर जब भी आएगा तो उस प्राइस पर आपका बाय हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर शेयर के अंदर ज़्यादा बेनिफिट रहता है। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर करते हैं और अगर आपने लिमिट लगा करके रख दिया हुआ है तो वो टाइम डिके की वजह से आपको महंगा प्राइस में मिल जाएगा और कम प्राइस में आपको बेचना पड़ जाएगा, वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो आप GTT ऑर्डर में बेनिफिट ये है कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो इसलिए आप इसको सिलेक्ट करके रखिए। इसके अलावा नीचे आपको डिलीवरी और इंट्राडे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डिलीवरी में करके खरीदते हैं तो आप इसको 2 जून तक होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे पर क्लिक करके खरीदेंगे तो आज के आज में ही इसको 30 तारीख, आज जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 30 मई है तो 30 मई को ही आपको सेल करना होगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं फॉर वन डे, और यहाँ पर मैं डिलीवरी में ही करके खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आज मार्केट मुझे प्रॉफिट नहीं देता है तो कल के दिन में भी मैं इसको सेल करके प्रॉफिट ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो क्वांटिटी में मिनिमम 50 ही रहेगा, अगर प्लस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट 100 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक लॉट में यहाँ पर 50 क्वांटिटी होता है तो यहाँ पर लॉट साइज में खरीदना होता है। आप 20 क्वांटिटी खरीदना चाहेंगे तो यहाँ पर 20 क्वांटिटी नहीं खरीद पाएंगे, तो यहाँ पर 50 ही मैं इंटर रहने देता हूँ, मिनिमम क्वांटिटी है। इसके अलावा यहाँ पर साइड में मिल जाएगा बाय और सेल करने का, तो आपको बाय करना है, ठीक है, बाय पर सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट तो उसी पर मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ। इसके अलावा प्लेस ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप कोई भी ऑर्डर यहाँ पर, जैसे कि प्राइस अभी कितना चल रहा है 8 रुपये 65 पैसे, ठीक है, तो इस प्राइस से अगर आप यहाँ पर जो भी प्राइस डालते हैं, आप जिस भी प्राइस में खरीदना चाहते हैं, ठीक है, मान लो 8 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिया, तो पहले ऑप्शन का सिलेक्ट होने का मतलब ये है कि इफ प्राइस इज बिलो, यानी कि प्राइस कम रहेगा इस प्राइस से, तब ये ऑप्शन बाय हो पाएगा। तो रिकमेंडेशन भी यही रहेगा कि आप पहले ऑप्शन पर ही सिलेक्ट रहने दें। इसके अलावा अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यानी कि प्राइस इज अबव, अब मान लो आपने यहाँ पर 8 रुपये डाल दिया है और अभी इसका प्राइस चल रहा है 8 रुपये 40 पैसा, इसका मतलब इमिडिएटली 8 रुपये 50 पैसे पर ये बाय हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन का मतलब। और थर्ड ऑप्शन का मतलब ये है कि इमिडिएटली, यानी कि जो मार्केट का प्राइस चल रहा है ना, यहाँ पर करेंट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर बाय हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज में भी इधर कैलकुलेटेड है और इधर प्राइस में भी कैलकुलेटेड है। तो अगर आप परसेंटेज में अगर कोई चीज़ डालेंगे कि हमको 5% का कम प्राइस में चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8 रुपये 40 पैसे मिल जाएगा जो कि 5% कम है, ठीक है, अभी फ्लक्चुएट कर रहा है इसलिए यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप यहाँ पर 50% डालेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आप देख सकते हैं 4 रुपये में आपको खरीदना है, ठीक है, यानी कि 50% कम प्राइस में। तो यहाँ पर परसेंटेज में डाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली इधर कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप रुपए डालते हैं तो इधर परसेंटेज में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट अभी के अभी लगाना चाहते हैं तो इसको इनेबल रहने दें, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली आप स्वाइप टू बाय पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट में क्या होता है, अगर आप कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टारगेट कैसे लगाना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किस प्राइस पर हमको सेल करना है उसके लिए हम लोग टारगेट लगाते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको अभी ऑफ कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका लाइव डेमो बताऊंगा। अभी मैं इसको ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ, ठीक है, बाय कर लेने के बाद, अच्छा इमीडिएटली अगर बाय करना है तो मैं इमीडिएटली पर क्लिक कर लेता हूँ, रिकमेंडेशन पहला वाला रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर इमीडिएटली बाय करके दिखाता हूँ आपको क्योंकि आपको लाइव दिखाना है सारी चीज़ें। तो अगर लिमिट लगा दूंगा तो ऐसे में होगा क्या कि आपको वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इमीडिएटली सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ इसको भी ऑफ कर दिया हूँ, स्वाइप टू बाय पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ऐसे मैंने स्वाइप किया, अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो GTT को ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने एक ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है, 50 क्वांटिटी बाय हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये वाले टैब में। सेकेंड वाला टैब क्या है, ट्रेडर्स, ठीक, ट्रेड्स में आपको आना है ऑर्डर वाले टैब में,
और ऑर्डर में आपको रेगुलर में नहीं आना है, क्योंकि हमने रेगुलर में नहीं खरीदा है, जीटीटी ऑर्डर लगा के खरीदा हुआ है। तो जीटीटी में आएंगे और यहाँ पर आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको इस ऑर्डर के बारे में डिटेल चेक करना है तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इसका चार्ट देख सकते हैं, इसका हिस्ट्री देख सकते हैं, इसके अलावा आपने किस प्राइस पर खरीदा हुआ है और किस प्राइस अभी क्या प्राइस चल रहा है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों ने 8 रुपये 85 पैसे पर इमीडिएटली खरीदा हुआ था, ठीक है। डेट वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप और ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लेस करके और भी ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। अब आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो चीज़ आप कैसे चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। और फिलहाल मैंने यहाँ पर बैक कर लिया, ट्रेड्स पर वापस आता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्डिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पोजीशन में आपको आ जाना है और पोजीशन में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इमीडिएटली मुझे कितना रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 10-12 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं इस ऑप्शन को एग्जिट करके दिखाऊंगा ताकि आपको लाइव दिखा सकूँ कि कैसे ऑप्शन एग्जिट भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट है वो लगातार थोड़ा थोड़ा धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो मैं इस प्रॉफिट को अभी वेट नहीं करता हूँ, सिंपली मैं आपको ऑप्शन को एग्जिट करके दिखाता हूँ कि कैसे ऑप्शन एग्जिट किया जाता है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसके बाद नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप और ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से बाय मोर पर क्लिक करके और भी क्वांटिटी यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जिट पर क्लिक किया, अभी आपको यहाँ पर डिटेल चेक कर लेना है, साइड में सेल करना चाहते हैं, प्रोडक्ट टाइप में हमारा डिलीवरी था, इसके अलावा यहाँ पर क्वांटिटी में 50 क्वांटिटी हमने खरीदा हुआ था, प्राइस में हम मार्केट प्राइस ही करके बेचेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लिमिट प्राइस डाल करके इसको सेल करें तो यहाँ पर आप लिमिट भी डाल सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट लगाना चाहते हैं तो SL लिमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लिमिट भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आप ट्रिगर प्राइस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको SL मार्केट का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि मार्केट प्राइस पर बिक जाएगा या फिर यहाँ पर रहेगा ट्रिगर और यहाँ पर आपका प्राइस रहेगा मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही सेलेक्ट करके बेच रहा हूँ। आपके लिए रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप स्टॉप लॉस और लिमिट लगा करके ही एग्जिट करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली स्वाइप टू सेल पर क्लिक कर देता हूँ। अभी मुझे कितना का प्रॉफिट हो रहा है तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, बैक करूँगा तब दिखेगा। तो यहाँ पर मैं सेल कर देता हूँ अभी इमीडिएटली, तो यहाँ पर आपको स्वाइप कर देना है ऐसे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है सेल का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओपन ऑर्डर में अगर कंप्लीट नहीं हुआ रहता तो यहाँ पर ओपन ऑर्डर में रहता, अगर हम लोग लिमिट लगा करके रखते तब। अभी हम लोगों ने कोई भी लिमिट नहीं लगाया था, मार्केट प्राइस पर हम लोगों को सेल करना था, इसलिए यहाँ पर ये ऑर्डर जो है वो सेल हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप होल्डिंग में आएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है क्वांटिटी जो है वो जीरो हो चुका है, यानी कि हमारा जो शेयर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सेल हो चुका है, ठीक है। और हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप भी प्रॉफिट बुक करके और सेल कर सकते हैं, यहाँ पर लॉस भी होने का चांसेस रहता है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने रिस्क पर करिएगा, 100% अपने रिस्क पर, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की होता है। और आई होप कि ये वीडियो आपको लाइव वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएगा इस वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।